मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप बीजेपी को बचा रहे हैं। अगर मैंने कहा हो तो ढाई मिनट से आप विमानतल पे बात नहीं करना चाहते हैं। जो फिर लग बीच में लग जाते हो मेरे को खत्म तो कर रहे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये अगर जो आपको सिर्फ अपनी अपने वो दिखानी है तो मैं मेरे को आगे बात नहीं करनी है। आपको बैलेंस करना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप किस पार्टी के प्रवक्ता हूँ जी? देखा लगी मिर्ची नहीं बोलेंगे आप, बीच में बोलेंगे। बोलने दो ना यार रमेश भाई, यार बुलाया तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। आज की इस वीडियो में बात न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की करते हैं। आज उनकी हम वह डिबेट देखेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने अमीश को उनके सवालों पर मुंह तोड़ जवाब दिए हों। धन मात्रन के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस मुद्दे पर एंकर ने सवाल AIMIM नेता आसिम वकार से किया। आसिम वकार ने एंकर को पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों पर बात करने को कहा, जिस पर अमीश ने उन्हें धन मात्रन के मुद्दे पर जवाब देने को कहा, जिसका आसिम वकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे पता है कि आप सर सुनिए तो सर, आप उस विषय पे बात ही नहीं करना चाहते। धर्म परिवर्तन पर बात ही नहीं करना चाहते। धर्मांतरण पर आप बात नहीं करना चाहते। सर मुझे बोलने दे रहे। हाँ, आप बोलिए सर। आपसे मैंने इतनी नाराजगी की बात नहीं कही, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप बीजेपी को बचा रहे हैं। अगर मैंने कहा हो ढाई मिनट से आप धर्मांतरण पे बात नहीं करना चाहते। जो ओवैसी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा ये हिंदूवादी गुंडे हैं, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। सर पेट्रोल डीजल पर आपका पूरा ज्ञान हो चुका हो तो बताइए। एक मिनट, आप सर मुझ पर रिपोर्ट भी लिखा सकते। 100 के पार पेट्रोल है, मैंने झूठ नहीं बोला सर। डीजल महंगा हो गया, मैंने झूठ नहीं बोला सर। 225-230 रुपए में कड़वा तेल भी कराया सर, सरसों का तेल, मैंने झूठ नहीं बोला सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे सर। मैंने तो अच्छा, आप आज ये भी नहीं कहा कि आपके रिलेशन किसी पार्टी से। अच्छा आज आपको विषय क्या बताया गया था? आपको बताया गया था पेट्रोल डीजल विषय है? खरीद के खाता हूं सर सब। न्यूज 18 पर ट्विटर के मुद्दे पर डिबेट हुई। एंकर अमीश देवगन ने सवाल AIM नेता वारिस पठान से एक न्यूज को लेकर किए। अपने जवाब में वारिस पठान ने अमीश को चुप करवा दिया। ये हिंदूवादी गुंडे तो आपने लिख दिया, मुस्लिमवादी गुंडे भी लिखने चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि धर्म का चश्मा आपने असल में डाला हुआ है और सेकुलर सिर्फ बहाना है? वैसे कम्युनल एजेंडा देख रहा हूं आप बराबर। अच्छा, आप कभी से मैं देख रहा हूँ बराबर संबित पात्रा को, शहजाद को, सबको आराम से बोलने का मौका दे रहे, जो मन में आए बोलते जा रहे हैं। आप खामोशी के साथ बैठ के सुन रहे थे, जरा कर्टेसी मेरे को भी यही। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे आपको कर्टेसी। सच्चे एंकर हो, खामोशी के साथ सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए। आप सच्चा बोल देंगे तो पब्लिक झूठा मान लेगी। नहीं नहीं, सच्चा बोल देंगे तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत। चलिए आप अपनी बात को रखिए। सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। अभी आपको सच में आना पड़ेगा, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले सर, झूठ और सच का मामला तो सामने आ गया इसी में। अभी जो खड़े हो, आपने हिंदूवादी गुंडे तो बोला, मुस्लिमवादी गुंडे नहीं बोल पाए। क्या आपको मारने का अधिकार है या नहीं? आप कंडेम करते हो? देखा लगी मिर्ची नहीं बोलेंगे आप, बीच में बोलेंगे। बोलने दो ना यार रमेश भाई, यार बुलाया तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जनता देख रही है क्या ये? न्यूज 18 पर ही राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रमेश देवगन ने सवाल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से किया। जब संजय सिंह जवाब देने लगे तो एंकर ने बीच में टोक अपने सवालों में उलझाने की कोशिश की, पर संजय सिंह ने इसका करारा जवाब दिया। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई? ये आपकी निजी संपत्ति है क्या? दो क्यों? उसके पीछे रीजनिंग, उसके पीछे बड़ा कारण है। 10 साल पहले 2 करोड़ में सौदा हुआ था। 10 साल में कीमत जितनी बढ़ी, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद जो कीमत बढ़ी, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी, यही कारण दिया जा रहा है। हम सब लोग चाहते हैं वहां भव्य राम मंदिर बने। दूसरी बात की बात मान लेते हैं, और चंपत ही आप चंपत राय जी की बात मान लेते हैं। नहीं, चोरों को चंदा देंगे क्या? चोरों को चंदा देंगे? ये आपने तो पहले ही मान लिया कि वो चोर है। 5.8 करोड़ रुपए की मालियत है, अब इसको भी सच मान लीजिए आप, तो ये जमीन कितने में खरीदी जानी चाहिए थी? 5.8 करोड़ में। 18.5 करोड़ कहां से आ गया भैया? ये फिगर कहां से आ गया? ये बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये तो मालियत लिखी हुई है ना जी। जी जी, आप पढ़िए जी। 5.8 करोड़ मालियत। एक सेकेंड, ये पढ़िए। कोरोना के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में डॉक्टर कोरोना के विषय में जानकारी दे रहे थे, तभी बीच में अमीश ने उन्हें टोक दिया, जिस पर डॉक्टर ने अमीश की क्लास लगा दी। जब तक मैं पूरी बात नहीं बता रहा कि कहां शिफ्ट हो रहा है, तो पूरी बात तो सुन लो प्लीज जी। आपने बुलाया तो पूरी बात सुनो जी। जी डॉक्टर जी, ये है कि कुछ लोगों को नोज से कुछ ब्रीडिंग हो रही है, उन लोगों को और जो चीक्स के ऊपर कुछ सेंसेशन कम हो रही है, ये होती है वो जो फंगस लगता है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं।
वो बड़ा भयंकर है ऑल्सो, इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो सकती है। पर लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो मैंने सिम्टम कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि ये हो रहा है। अब फिर लग बीच में लग जाते हो, मेरे को खत्म तो करने दो। मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अगर जो आपको सिर्फ अपने वो दिखानी है तो मेरे को आगे बात नहीं करनी है। मैं जब बता रहा हूँ लोगों को, वार्निंग दे रहा हूँ कि कैसे बचना है, तो आप बीच में फिर बोल पड़ते हो। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आपकी एक्साइटमेंट, पर जो जो जो, जो पब्लिक के लायक अच्छा है वो तो बताने दो। पब्लिक के लिए पूछ रहे डॉक्टर साहब, तो मैं बता तो रहा हूँ। न्यूज 18 पर किसी विषय को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अमीश देवगन ने कांग्रेसी नेता से राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल किया, जिस पर कांग्रेसी नेता जवाब देने लगे, पर एंकर ने बीच में टोक दिया, जिसका कांग्रेसी नेता ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे घटनाक्रम में हम देखें, पूरे मैप को हम देखें, तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आपका क्राइसिस नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमित जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका कांग्रेस के प्रति प्यार जो है आपके सामने आपके शो में दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं आपकी ये रिपोर्टिंग में भाजपा का जो पेज है वो निकल गया लगता है। मैं आपको याद दिला दूं, अभी कर्नाटक में एक वरिष्ठ मंत्री ने, ईश्वर अप्पा ने, राज्यपाल को मिलकर कहा कि जो सीएम है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपको वो चीज क्यों नहीं दिखी? नहीं देखिए अमित जी, आपने सबको समय दिया, मुझे प्लीज समय देखिए, सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं। मुझे बिल्कुल देखिए, मैं किस पार्टी का हूँ सबको मालूम है। आप जब अपना प्रोडक्शन दिखाते हैं आपको बैलेंस करना चाहिए। मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आप किस पार्टी के प्रवक्ता है? आप किस पार्टी के प्रवक्ता हूँ जी? क्योंकि जिस प्रकार से आपका रिपोर्टिंग है, आप किस पार्टी के प्रवक्ता? आपको बाकी जो हम उम्मीद करेंगे कि अमीश आगे अपने डिबेट में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जनता की परेशानियों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।